वृक्षारोपण के शुभ अवसर पर हमारे कंपनी में 2000 पौधा आया हुआ है, उसको आज हम लोग जगह जगह पर लगाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, हम और सुमित अभी पौधा निकाल रहा है और हम अभी इधर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब वृक्षारोपण करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाएंगे। ये है जो सुमित, ये 5 अमरूद का पौधा लाया हुआ है, दिखा सुमित ऊपर करके और दिखा। हाँ, और हम 2 कटहल का पौधा लाए हुए हैं और विपिन लाया, ये कौन पौधा है हम लोग भी नहीं पहचान सकते हैं। क्रंच का पौधा है, क्रंच का। ये विपिन का हाथ में 5 पौधा है क्रंच का। मनीष इधर गड्ढा खोद रहा है, अभी इसमें हम लोग 2 अमरूद का पेड़ लगाएंगे। आशीष और प्रेम उधर पेड़ रोप रहा है, देखिए आशीष पेड़ लेके आ रहा है इधर। विपिन जी कितना गड्ढा में घुसा हुआ है, देखिए कितना गजाड़ है, वहां जाके पेड़ लगा रहा है। इधर सुमित वो भी गड्ढा खोद के अब पौधा डालने वाला है, तो सुमित पौधा डाल रहा है, देखिए बड़ा जोर शोर के साथ सुमित पौधा डाल रहा है। पौधा वो डाल के रेडी कर दिया। विपिन भी अपना पौधा डाल रहा है और खुद हम ही अभी तक अपना पौधा नहीं लगाए हैं, सब कोई अपना अपना पौधा लगा दिए, अभी तक 20 पौधा लगा चुका है। ये आशीष कुमार, ये हमारा कंपनी का सुपरवाइजर, ये भी पेड़ लगा रहा है, ये परसपानी का रहने वाला है। आशीष पेड़ लगा के क्या फायदा होगा? पेड़ लगाने से हवा शुद्ध मिलेगा, पेड़ लगाने से फल फ्रूट मिलेगा। फल कहाँ मिलेगा? आम जामुन कटहल रोपेंगे तब ना फल मिलेगा। हवा शुद्ध मिलेगा, गाड़ी घोड़ा चलने से धुआं हवा प्रदूषित हो जाता है, और पेड़ लगाने से हवा हमको शुद्ध मिलेगा, इसलिए पेड़ लगाने जाते हैं। पर्यावरण शुद्ध रहेगा इसमें पेड़ लगाने से। उधर से और एक मनोज भाई आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। पौधा रोपने कहाँ जा रहा है मनोज भाई? जो जा रहे पौधा लगाने के लिए। किधर? यही क्रेशर में। पानी का बोतल के साथ? हाँ, पानी प्यास लगे पिएंगे क्या? ठीक है चलिए। फिलहाल अभी सभी मजदूर भाई पूरा जोर शोर से पौधे लगाने में व्यस्त है।